दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लवद्वा शुभम होलिका पर्वे अस्मिन कुर्यात सर्वस्य मंगलम। अर्थात जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, जिस तरह पुष्प सदैव महकता रहता है, उसी तरह यह होली का पर्व आपके लिए हर दिन हर पल मंगलमय सिद्ध हो। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली दुनिया के हर कोने में मनाई जाती है, अलग अलग समुदायों में भी होली मनाई जाती है। पिछले हम अपने कई वीडियोस के द्वारा आपको यह भी बता चुके हैं कि किन किन देशों में होली मनाई जाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं 15 देशों की होली के बारे में, जिसमें रूस विशेष तौर पर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेंद्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, रूस में अगर होली की बात करें तो रूस में एक त्योहार है जिसका नाम है रेडिका, और इसके नाम से यहाँ पर होली मनाई जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक ऐसी जगह चूज करी जाती है जो कि ऊंची हो, वहाँ पर काफी सारी लकड़ियां लगाई जाती हैं, और उसके बाद यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, फिर इन लकड़ियों को जलाया जाता है। लोग भारत की तरह ही यहाँ पर नाचते गाते हैं और खुशी मनाते हैं, फिर इसके बाद एक दूसरे पर खूब रंग डालते हैं, और तो और यहाँ पर आतिशबाजी भी होती है। अगर इसकी बात हम ना भी करें तो रूस में जो होली है, भारतीय होली, वह भी खूब मनाई जाती है। उदाहरण के लिए ये वीडियो देख लीजिए जो कि रूस के मॉस्को के हैं। देखिए वीडियो। इसके अलावा रूस में कई गांव बन चुके हैं जो कि पूरी तरह से हिंदू हैं, वहां पर भी होली खेली गई। अब आते हैं दूसरे देश पर जो कि है यूक्रेन। अब अगर रूस की बात हो रही तो यूक्रेन की बात तो होनी ही चाहिए। दोस्तों, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये है यूक्रेन के शहर कीव का। यहाँ पर ये यूक्रेनियन लोग भारतीय त्योहार होली मना रहे हैं। देखिए यह वीडियो। दोस्तों, यूक्रेन में भी होली काफी ज्यादा खेली जाती है। सिर्फ होली नहीं बल्कि तमाम हिंदू त्योहार। तीसरे देश पर आते हैं जो कि है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में काफी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है, और तो और यहाँ पर तमाम हिंदू मंदिर भी हैं, और इसीलिए होली के दिन अलग अलग इवेंट्स का आयोजन किया जाता है और लोग होली खेलते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय नागरिक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और तमाम तो भारत में भी आते हैं, वृंदावन और मथुरा जैसी जगहों पर। चौथे देश पर है जर्मनी की होली। दोस्तों, जर्मनी में होली के बारे में बताएं, इससे पहले आपको बता दें कि जर्मनी में होली से मिलता जुलता एक त्योहार पहले से है। यहाँ पर 7 दिन तक होली मनाई जाती है। यहाँ पर लोग अलग अलग रंगों की ड्रेस पहनते हैं और बड़े बूढ़े बच्चे सब मिलकर होली मनाते हैं। इसके अलावा अगर भारतीय पर्व होली की बात करें तो जर्मनी में भी होली का काफी ज्यादा क्रेज है, लेकिन जर्मनी के लोग ज्यादा संख्या में बरसाना और वृंदावन प्रेफर करते हैं होली के टाइम। भारी संख्या में यहाँ के लोग भारत आते हैं इस समय और होली खेलते हैं। इसके अलावा जर्मनी में भी जो भारतीय रहते हैं वो अलग अलग जगहों पर होली से जुड़े कार्यक्रम करते हैं और होली मनाते हैं। पांचवें नंबर पर है श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका तो भारत का पड़ोसी है, इसलिए यहाँ पर ठीक अपने तरह ही लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, नाचते गाते हैं, और इस अवसर पर जो बौद्ध लोग हैं एक दूसरे पर सुगंधित जल भी फेंकते हैं। नंबर 6 पर है ग्रीस। ग्रीस में टमाटरों का उत्पादन ज्यादा होता है और इसीलिए लोग टमाटर की होली खेलते हैं। ये वीडियोस ग्रीस के हैं। नंबर 7 पर है जापान। दोस्तों, जापान में भी होली जैसा त्योहार ही मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं कि लोग
फूलों की पंखुड़ियों से होली खेलते हैं, और तो और कलर से भी होली खेलते हैं, रंगों से भी होली खेलते हैं। जहाँ पर किसी एक जगह पर भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और होली का आनंद लेते हैं। 8 नंबर पर है नेपाल। दोस्तों, नेपाल की होली के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक खास बात यहाँ हम आपको बताते हैं। नेपाल में होली पर एक दूसरे पर लोला फेंकने का रिवाज है। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर रंगों भरे गुब्बारों को नेपाल में लोला कहा जाता है। यहाँ लोगों को रंग में डुबोने के लिए पानी के बड़े बड़े टब रखते हैं लोग, और बाद में एक दूसरे पर गुब्बारा फेंकते हैं और होली मनाते हैं। 9 पर है पोलैंड। दोस्तों, पोलैंड में होली के दिन एक दूसरे पर लोग रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं। सेम भारत की तरह ही यहाँ पर भी लोग अपनी पुरानी शत्रुता को भूलकर नए सिरे से रिश्ते बनाते हैं। एक दूसरे पर इस समय लोग गुलाल और रंग फेंकते हैं और नाचते गाते हैं। 10 पर है कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया में क्या है कि 9 वर्ष के अवसर पर होली मनाई जाती है। यहाँ एक दूसरे पर पानी डालते हैं लोग, साथ ही इस दिन तालाब में पानी से लोग खूब मस्ती करते हैं। 11 पर है पेरू। दोस्तों, पेरू में 5 दिनों तक होली खेली जाती है, पूरा शहर रंगीला हो जाता है, सारे लोग रंगीन पोशाक में पूरे शहर में घूमते हैं, टोली में चलने वाले लोग ड्रम की थाप पर नाचते हुए दिखते हैं। 12 पर आता है यूएई। दोस्तों, यूएई में तो हम जानते हैं कि भारी संख्या में भारतीय रहते हैं, इस कारण अलग अलग जगहों पर इवेंट्स बनाए जाते हैं। इवेंट्स का मतलब एक कार्यक्रम बनाया जाता है कि यहाँ पर होली खेली जाएगी, और भारी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि यूएई में भी हिंदुओं की अच्छी खासी तादाद है, और इसलिए सार्वजनिक छुट्टी भी यूएई में दी जाती है इस दिन, और तो और जो शेख हैं वहाँ के वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। 13 पर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन इंडोनेशिया में हिंदू त्योहारों को काफी धूम धड़ाके से मनाया जाता है, क्योंकि इंडोनेशियन लोग यह मानते हैं कि वो आज भले ही इस्लाम को अपना लिए हैं, लेकिन उनके पूर्वज हिंदू ही थे, इसीलिए जो मुस्लिम है वो भी होली को मनाते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके अलावा इंडोनेशिया के बाली जैसे जगहों पर तो पूरा का पूरा हिंदू साम्राज्य बसा हुआ है, वहां पर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी अन्य देश की होली देख रहे हैं। 14 पे आता है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका में होली एक पॉपुलर फेस्टिवल है, इसमें ईसाई और मुस्लिम भी सम्मिलित होते हैं। मुस्लिम्स की बात ना भी करें तो ईसाई लोग इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। दोस्तों, शायद अमेरिका दुनिया का वह ऐसा देश है जहां पर भारत के बाद सबसे ज्यादा होली मनाई जाती है। टाइम्स स्क्वायर से लेकर पूरे अमेरिका में आपको अलग अलग जगहों पर लोग होली के रंगों में सराबोर नजर आएंगे, क्योंकि होली विदेशियों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, उसमें अमेरिका सबसे ज्यादा प्रमुख है। अमेरिका की लगभग 40-45% जनसंख्या होली मनाती है, क्योंकि जो भारतीय वहां रहते हैं उनके साथ तमाम लोग होली मनाते हैं। 15 पर आता है ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में तो आपको पता ही होगा, ब्रिटेन में तो अब हिंदू प्रधानमंत्री है, और हिंदू प्रधानमंत्री रहते हुए होली ना मनाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बार भी होली की जबरदस्त तैयारियां देखने को मिली ब्रिटेन में, जहां पर अलग अलग जगहों पर तमाम इवेंट्स का आयोजन है और लोग जमकर होली खेलते हैं। तो दोस्तों, ये थे 15 देश। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।